कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपके साथ मैं अजय सिंह खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, खाद तेल बाजारों की जानकारी और मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कल खाद तेल संबंधित यूएसडीए की रिपोर्ट आई है इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और रोजाना के तरीके सोया ऑयल, सीपी और राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड सीड व सोयाबीन सीड में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, कांडला पोर्ट पर बाजारों पर क्या स्थिति है और साथ ही साथ इंटरनेशनल बाजारों में किस तरीके से कामकाज केएलसी में हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे खाद्य तेल बाजारों में। जैसे कि खाद्य तेल बाजारों में देखा गया कल यूएसडीए की रिपोर्ट रिलीज हुई, 12 तारीख को यूएसडीए की रिपोर्ट आनी थी। तो अगर बात करी जाए कल रात यूएसडीए की रिपोर्ट आने के बाद सीबॉट कॉम्प्लेक्स ने एक बड़ी तेजी बाजारों में एक दर्ज करी। अमेरिका की अगर सोया फसल यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार जाना जाए तो अमेरिका की सोया फसल को कम करके लगभग 450 लाख टन किया गया है। अमेरिका की फसल 18 लाख टन इस समय बाजारों में कम दिखाई जा रही है। ब्राजील की फसल 10 लाख टन और बढ़ी हुई बाजारों में देखी जा रही है। तो भी नए सीजन में वर्ल्ड उत्पादन पिछले साल से लगभग 300 लाख टन ज्यादा ही रहेगा। अमेरिका में सीजन के अंत में कम से कम 57.20 लाख टन स्टॉक अभी भी बैलेंस बचा रहेगा, यह 4 साल में सबसे कम होगा। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। नए सीजन में अमेरिका सोया एक्सपोर्ट पिछले अनुमान से 15 लाख टन कम करेगा। तो अगर ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो बाजारों में इस समय आप देख के चल सकते हैं जो मार्केट का जो आउटलुक निकल के आ रहा है उसमें सोयाबीन में कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। सोयाबीन और सोया ऑयल के भाव में आप हल्की फुल्की बाजारों में आप तेजी देख के चल सकते हैं। इसी के तहत अर्जेंटीना में सोयाबीन की फसल को कम करने से अर्जेंटीना में मील और सोया तेल का एक्सपोर्ट कम होगा। इस कारण सीबॉट सोया तेल और मील के वायदे में आप और आगे आने वाले समय में आप तेजी देख के चल सकते हैं। तो इसी के तहत अब सोया ऑयल की अगर बात करेंगे तो कल सोया ऑयल का भाव 128 रुपये बाजारों में लोकल बाजारों में कामकाज हुआ। पामोलिन का भाव 96 रुपये रहा। राइस ब्रैन ऑयल का भाव 105 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का भाव 133 रुपए रहा। सोयाबीन सीड का भाव 56 रुपए। लोकल प्लांट वाले बहुत जल्दी अपना रेट नहीं घटा रहे हैं क्योंकि उनके पास भी माल बहुत ऊंचे का फंसा हुआ है। इस वजह से बहुत ज्यादा प्लांटों में रेट नहीं घट रहे हैं। जबकि आप कांडला पोर्ट की स्थिति देखेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का भाव कल अगर बात करेंगे तो 849 रुपए का भाव रहा। फॉरवर्ड में 859 रुपए का। पामोलिन 925 रुपए भाव बोला गया। सोया रिफाइन का भाव 1230 रुपए हो गया। सोया डिगम का भाव 1200 रुपए, फॉरवर्ड में 1100 रुपए रहा। सनफ्लावर ऑयल का भाव 1310 रुपए हो गया। सनफ्लावर ऑयल में भी ऊपरी स्तर से गिरावट दर्ज करी गई। तो बाजारों में गिरावट आई है, जैसे कि हमने एक्सक्लूसिव वीडियो भी आप लोगों को दिया हुआ है, जिन लोगों ने ना देखा उसको जाके जरूर देखिएगा कि बाजारों में जो घट के बाजार आया है आप यहां पर आप खरीदारी का मन अपना बना के चल सकते हैं। इसी के तहत केएलसी अगर बात करेंगे कल एक मामूली बढ़त के साथ बाजारों में केएलसी -3 रिंगिट माइनस बाजार बंद हुआ था। आज भी केएलसी जो सुबह ओपन हुई है +5 रिंगिट पॉजिटिव ओपन हुई है। इसके साथ साथ सीबॉट का बाजार भी 86 पॉइंट प्लस बाजार बंद हुआ है। तो उसका असर आज घरेलू बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब जानेंगे सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 127 रुपए है, रेस्टेंस का लेवल 129 रुपए है। पामोलिन का अगर सपोर्ट की बात करें तो 95 रुपए का सपोर्ट है, रेस्टेंस का लेवल 97 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 104 रुपए है, रेस्टेंस का लेवल 107 रुपए है। मस्टर्ड सीड की अगर बात करेंगे तो सपोर्ट का लेवल 6300 रुपए, रेस्टेंस का लेवल 6600 रुपए है। सोयाबीन की अगर सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 5600 रुपए का सपोर्ट, रेस्टेंस का लेवल 5800 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। तो ये मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आप ये देख के चल सकते हैं बाजारों में यहां पर एक स्टेबिलिटी नजर आएगी। बाजारों में आप अपनी जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खरीदारी करनी हो तो आप खरीदारी का मन बना सकते हैं। आने वाले समय बाजारों में यहां से आपको 3 से 4 रुपए किलो की बाजारों में एक रिकवरी बाजारों में दिखाई देके चल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में बजट का भी सेशन चल रहा है तो जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं अपना, और कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। अगर इसी तरीके की आप जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो इसी तरीके की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।